नमस्ते दोस्तों, मम्मी किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने किचन में राजमा का सब्जी बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ राजमा हम 2 से 3 पानी अच्छे से पहले धो लेंगे, उसके बाद हम इसको पानी में फुला लेंगे। इसे रात भर हम फुलाने के लिए रख देंगे, राजमा अच्छे से फूल जाता है। और तो अब इधर हम कुकर चढ़ा दिए हैं, कुकर को अच्छे से गर्म होने देंगे, उसमें हम इस सबसे तड़का लगाएंगे। तो देखिए, गोल मिर्च, जीरा, तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची, ये सारा चीज़ था। तो हम इस सबसे अब इसी में तड़का लगाएंगे। उसके बाद हम इसमें 2 लाल मिर्चा खड़ा डाले हैं, 2 से 4 लाल मिर्चा। अब इसमें हम लहसुन डालेंगे, तो इस सबको हम अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ 2 से 3 प्याज डालेंगे, क्योंकि इसमें प्याज का मात्रा थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो अच्छा, बहुत ही टेस्टी बनता है राजमा का सब्जी। तो देखिए, अब यहाँ प्याज को ब्राउन होने तक मीडियम आंच पर इसे हम भून लेंगे अच्छे से। तो अब यहाँ हम मसाला ऐड करेंगे। तो पहले हम लाल मिर्चा 1 चम्मच ऐड किए हैं, जीरा पाउडर ऐड करेंगे, गोल मिर्च पाउडर 1 चम्मच ऐड करेंगे, धनिया पाउडर 2 चम्मच, 1 से 2 चम्मच ऐड करेंगे, और इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे। अब कलर आने तक हल्दी को डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच। तो अभी सबको हम अच्छे से पहले भून लेंगे। तो देखिए, यहाँ मसाला हम भून रहे हैं। तो इसमें अब हम नमक स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो देखिए, राजमा हमारा फूल करके पानी उतना ही डालना था जितना कि राजमा में फूल जाए। अब फूला हुआ पानी इसमें से हम नहीं निकालेंगे, जिसमें राजमा फूला था उसका पानी हम इस फेंकेंगे नहीं, इसको हम इसी के साथ हम राजमा में डाल देंगे, क्योंकि इसमें प्रोटीन से भरपूर रहता है राजमा। नहीं तो पानी जब फेंक देंगे तो इसका सारा प्रोटीन निकल जाता है दोस्तों। तो देखिए, यहाँ हम राजमा और पानी साथ में ही डाल दिए हैं, सबको अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे 1 से 1.5 कटोरी। अब इसको हम कुकर के ढक्कन बंद करके इसको हम सीटी लगाएंगे, 3 से 4 सीटी लगाएंगे। गरम मसाला भी डाल दिए हैं साथ में, अब इसे हम 3 से 4 सीटी लगाएंगे। तो हमारा राजमा का सब्जी बन करके बिल्कुल तैयार हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए, यहाँ कुकर बंद कर दिए हैं, तो यहाँ आप देखिए सीटी लग गया है, तो सब्जी बन करके बिल्कुल तैयार। देखिए कितना टेस्टी बना है सब्जी। अब इसे हम थलका मिला लेंगे और इसे हम चावल के साथ खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।